गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे इकोटोन एंड एज इफेक्ट, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोटोन होता क्या है। तो इकोटोन इज एन एरिया दैट acts as a boundary or a transition between two ecosystems। यानी इकोटोन एक वह क्षेत्र है जो दो ecosystems के बीच की boundary है या फिर उसके बीच का transition area है। एक common example अगर अपन देखें तो marshland river और river bank, नदी और नदी के किनारे के बीच का जो क्षेत्र है उसे मार्श लैंड कहते हैं और ये एक इकोटोन है। इकोटोन की एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यह वह एरिया है जो कि दो इकोसिस्टम्स या फिर दो बायोम्स जीवों के बीच का ट्रांजिशन एरिया है, जो या तो नेचुरली हो सकता है या मैन मेड भी हो सकता है, जिसमें जो फ्लोरा और फौना है, जंतु और पादप हैं, इनकी बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे पाई जाती है। अगर अपन एग्जांपल्स देखें इकोटोन के तो मार्शलैंड जो कि ड्राई और वेट इकोसिस्टम, सूखे और गीले इकोसिस्टम के बीच का एरिया मार्शलैंड इकोटोन होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी एक इकोटोन है जो कि स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। ग्रासलैंड्स जो कि डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। और एस्चुरी जो कि साल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर, समुद्री जल इकोसिस्टम और स्वच्छ जलीय इकोसिस्टम के बीच का क्षेत्र है। अगर अपन डायग्रामेटिक रूप से देखें तो दो इकोसिस्टम्स, जैसे कि एक इकोसिस्टम ये है और एक इकोसिस्टम ये है, दो अलग अलग कम्युनिटीज हैं। एक कम्युनिटी ये है और एक कम्युनिटी ये है और दूसरी कम्युनिटी ये है। इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, जो संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पर दोनों कम्युनिटीज आपस में मिल रही हैं, ये क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। तो अपन अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इकोटोन एक जंक्शन जोन है या ट्रांजिशन एरिया है दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र और बायोम्स के बीच का। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि इकोटोन दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के मिलने का एक संक्रमण क्षेत्र है या मिलने वाला स्थान है। एग्जाम्पल अपन देख चुके हैं और अगर अपन डायग्रामेटिकली देखें तो जैसे कि ये इस डायग्राम में अगर अपन देखें तो दो इकोसिस्टम्स, इसमें एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है और एक लैंड, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक लैंड इकोसिस्टम, ये दोनों आपस में जहाँ मिल रहे हैं ये इकोटोन कहलाता है, ये वाला एरिया इकोटोन कहलाता है। और इसी तरह से अगर अपन एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को देखें, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम और एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये दोनों इकोसिस्टम जिस जगह पर मिल रहे हैं ये ट्रांजिशन एरिया इकोटोन कहलाता है। अगर अपन इसके करैक्टर्स देखें, लक्षण देखें, विशेषताएं देखें कि इकोटोन आखिर होता क्या है, क्या क्या विशेषताएँ रखता है, तो इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये वाइड और नेरो, ये बड़ा हो सकता है और छोटा हो सकता है, संकीर्ण हो सकता है और चौड़ा हो सकता है। और संकीर्ण और चौड़ा किस तरह से हो सकता है, जैसे कि इस डायग्राम में अपन देखें तो इस
इस डायग्राम में अगर अपन देखें तो चौड़ा और संकीर्ण को किस तरह से देख सकते हैं, यदि ये दोनों एक ये बायोम या फिर कम्युनिटी है और एक ये वाली कम्युनिटी है, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में अगर जो संक्रमण क्षेत्र है, जो परिस्थितियां हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं, तो क्या होगा कि जो अपना एरिया है इस तरह से आएगा और ये दूसरा इकोसिस्टम उससे इस तरह से मिलेगा, तो जो इकोटोन है वो बहुत छोटा एरिया होगा। लेकिन अगर परिस्थितियाँ बहुत धीरे धीरे चेंज होती हैं, जो पारिस्थितिक कंडीशंस हैं वो बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, जो एबायोटिक फैक्टर हैं वो बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं, तो क्या होगा कि वो जो एरिया है वो बहुत चौड़ा होगा और ये धीरे धीरे चेंज होने से एरिया ब्रॉड बनेगा और जो इकोसिस्टम है उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होगी। और इसका एग्जांपल अपन इस तरह से देख सकते हैं, यदि एक डेजर्टिक और एक जलीय इकोसिस्टम दोनों आपस में जहाँ मिलते हैं, फॉरेस्ट या डेजर्ट दोनों आपस में जहाँ मिलते हैं, वहाँ पे जो इकोटोन का निर्माण होगा वो वाइड इकोटोन होगा डेजर्ट और जो फॉरेस्ट हैं इन दोनों के बीच में जो इकोटोन होगा वो वाइड होगा, और जो ग्रासलैंड है और फॉरेस्ट है उसके बीच का जो इकोटोन होगा वो नेरो इकोटोन होगा, संकीर्ण इकोटोन होगा, संकीर्ण तनाव क्षेत्र होगा। और यदि इसके लक्षण अपन देखें तो जो इकोटोन होता है वो दो बॉर्डरिंग इकोसिस्टम के पड़ोसी इकोसिस्टम्स के बीच का तनाव क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र में मिलने वाले जो स्पीसीज हैं वो दोनों जो पड़ोसी समुदाय हैं, जो पड़ोसी हैबिटेट हैं, उन दोनों में पाए जाने वाली स्पीसीज होती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ स्पीसीज इन दोनों ही पड़ोसी समुदायों मिलने वाले समुदायों से में जो स्पीसीज पाई जाती हैं उनसे भिन्न स्पीसीज भी हो सकती है, जो इसकी मुख्य विशेषता होती है। इकोटोन नेचुरली प्राकृतिक भी हो सकता है या फिर कृत्रिम रूप से मैन मेड भी हो सकता है। जैसे अगर अपन एग्जांपल देखें तो एग्रीकल्चरल लैंड और फॉरेस्ट के बीच का जो इकोटोन होगा वो मैन मेड इकोटोन होगा, और ये अपन देख चुके हैं कि ये नेरो भी हो सकता है, जैसे कि ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का बीच का जो संकीर्ण इकोटोन होगा, और फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का जो इकोटोन होगा वो वाइड इकोटोन होगा, चौड़ा क्षेत्र होगा इकोटोन का। और इनके बीच की इसमें जो कंडीशंस होती हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, क्योंकि ये तनाव क्षेत्र है तो इसमें दोनों पड़ोसी जो इकोसिस्टम होंगे उनके बीच की परिस्थितियाँ इसमें पाई जाती हैं इकोटोन के क्षेत्र में। और नंबर पॉपुलेशन डेंसिटी अगर अपन देखें तो यहाँ पे स्पीसीज बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, क्योंकि दोनों पड़ोसी समुदायों में पाई जाने वाली स्पीसीज इस संक्रमण क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो वो जस्ट डबल हो जाती हैं। इसके अलावा एक अलग टाइप की स्पीसीज भी इसमें पाई जा सकती है, और एक जो वेल डेवलप्ड इकोटोन होता है उसकी एक खास विशेषता ये होती है कि इन दोनों पड़ोसी समुदायों में पाई जाने वाली स्पीसीज के अलावा डिफरेंट टाइप की स्पीसीज भी इसमें पाई जाती हैं, जो दोनों ही पड़ोसी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं, जो इसकी खास विशेषता है। इसका अगर अपन एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल होता है बटेर नाम का एक पक्षी होता है, जो कि इकोटोन में पाए जाने वाला स्पेसिफिक स्पीसीज होती है, और ये पाया जाता है फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच के स्थान में। जो इकोटोन ग्रासलैंड और
फॉरेस्ट के बीच का इकोटोन होता है, उसमें ये बटेर नाम का जो पक्षी है वो अपना नेस्ट रिप्रोडक्शन के टाइम जो नेस्ट बनाता है वो इसी क्षेत्र में बनाता है। इसके बाद अगर अपन देखें एक खास विशेषता इकोक्लाइन किसे कहते हैं, सबसे पहले अपन ये जानते हैं। तो इकोक्लाइन जो एबायोटिक फैक्टर्स में ग्रेजुअल चेंजेस एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से जहाँ अलग होती है उनमें जो चेंजेस ग्रेजुअल चेंजेस एबायोटिक फैक्टर्स में होते हैं इसको अपन इकोक्लाइन कहते हैं। और इकोक्लाइन अलग अलग एनवायरमेंटल ग्रेडियंट जैसे कि एल्टीट्यूड में टेम्परेचर में सेलिनिटी में डेप्थ में इनमें ये पाई जाती हैं। जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं वो इन्हीं एबायोटिक फैक्टर्स में होते हैं जब एक कम्युनिटी धीरे धीरे उसकी बाउंड्री ख़त्म होती है और नई कम्युनिटी की शुरू होती है। इसके बाद अपन देखते हैं एज इफेक्ट या एज और एज स्पीसीज। अब एज इफेक्ट क्या है, एज इफेक्ट को अगर अपन हिंदी में कहें तो इसे अपन कोर प्रभाव भी कहते हैं, किनारे का प्रभाव भी कहते हैं। और ये होता क्या है, एज इफेक्ट रेफर्स टू द चेंजेस इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स दैट अकर एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट्स। तो ये दो अलग अलग कम्युनिटी की बाउंड्री जहाँ पर मिलती है, जैसे दो कम्युनिटी हैं, एक ये कम्युनिटी है और दूसरी ये कम्युनिटी है, इनकी बाउंड्री जहाँ पर आपस में मिलती है इस जगह पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज पाई जाती हैं वो सबसे ज़्यादा नंबर में यहाँ पाई जाती हैं। वैरायटी ऑफ स्पीसीज इस एरिया में पाई जाती हैं और इनके पाए जाने के प्रभाव को ही अपन एज इफेक्ट या फिर कोर प्रभाव कहते हैं, किनारे का प्रभाव कहते हैं। किनारे के प्रभाव के कारण इकोटोन वाले रीजन में सबसे ज़्यादा मात्रा में स्पीसीज पाई जाती हैं और इन स्पीसीज को एज स्पीसीज कहते हैं। अब एज इफेक्ट में एक चीज और पाई जाती है कि दो हैबिटेट आपस में जब मिलते हैं तो उन बाउंड्रीज पे जो पॉपुलेशन है जो कम्युनिटी है उसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है। समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज इन द इकोटोन इज मच ग्रेटर देन आइदर कम्युनिटी, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट। और जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पाया जाता है एबंडेंटली पाया जाता है बहुत ज़्यादा नंबर में पाया जाता है उन स्पीसीज को अपन एज स्पीसीज कहते हैं। और टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर अपन एज इफेक्ट देखें तो वो बर्ड्स में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। कोई भी इकोटोन अगर अपन देखें, किसी भी इकोटोन का एग्जांपल, चाहे अपन फॉरेस्ट और डेजर्ट इन दोनों के बीच पाए जाने वाले इकोटोन को अगर अपन देखेंगे तो उसमें जो सबसे ज़्यादा अपन को दिखाई देगा जो इकोटोन का एज इफेक्ट जो दिखाई देगा वो बर्ड्स में क्लियरली दिखाई देगा। वहाँ पे पाए जाने वाले बर्ड्स सबसे ज़्यादा वैरायटी में वहाँ पाए जाते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और इसका मेन कारण ये होता है कि जो इकोटोन होता है वहाँ पर इनको वैरायटी ऑफ फूड और वैरायटी ऑफ नेस्टिंग साइट्स इनको अवेलेबल हो जाती हैं। और इन्हीं संदर्भ में अगर अपन और बाकी एनिमल्स के संदर्भ में भी देखें तो उनको भी फूड और उनकी नेस्टिंग और उनके रहने का जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर में स्पीसीज पाई जाती हैं और उनको अपन एज स्पीसीज कहते हैं। अब अपन आखिर में देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोटोन की, इकोटोन की आखिर इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसकी सबसे मेन इम्पोर्टेंस तो ये है कि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की एनिमल्स की जो स्पीसीज हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स यहाँ मिलते हैं।
दूसरा अगर अपन देखें कि वैरायटी ऑफ स्पीसीज यहाँ पे मिलती क्यों हैं, तो यहाँ पर एनिमल्स को खास करके बर्ड्स की अगर अपन बात करें तो उनको नेस्टिंग के लिए नेस्टिंग प्लेस और एनिमल्स को फूड यहाँ पे प्रॉपर मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में वैरायटी ऑफ फूड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में स्पीसीज पाई जाती हैं। और ये जो दे सर्व एज ए ब्रिज ऑफ जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर बिकॉज ऑफ द लार्जर जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रजेंट, यहाँ पर लार्जर जेनेटिक डाइवर्सिटी भी प्रजेंट होती है। और जो इकोटोन्स होते हैं वो बफर जोन के रूप में भी पाए जाते हैं, और बफर जोन से मतलब ये है कि दो अलग अलग तरह के जो जोन हैं वो आपस में मिलते हैं यहाँ पर, और एक जैसे कि दे कैन एक्ट एज बफर जोन्स ऑफरिंग प्रोटेक्शन ऑफ द बॉर्डरिंग इकोसिस्टम, दो बॉर्डरिंग इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में एक बफर जोन के रूप में भी इकोटोन काम करता है। इसको अगर अपन एग्जांपल से देखें तो एक वेटलैंड जो कि एक रिवर और रिवर बैंक के एक टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम और रिवर, इन दोनों के बीच में एक वेटलैंड इकोटोन पाया जाता है जो क्या करता है कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषक होते हैं, इनको ये अब्जॉर्ब कर लेता है और रिवर के अंदर इनको पोल्यूटेंट्स को जाने से रोक देता है, तो ये रिवर को प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से एक बफर जोन के रूप में भी इकोटोन काम करते हैं। इकोटोन्स एक सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के रूप में भी इकोटोन्स काम करते हैं, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जो साइंटिस्ट और जो पर्यावरणविद हैं ये इस पर इकोटोन्स की बहुत रुचि से स्टडी कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर के रूप में भी इकोटोन्स काम कर रहे हैं, क्योंकि इकोटोन्स ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, तो वो उनकी जो शिफ्टिंग है उसकी वो शिफ्ट किस तरह से हो रही हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज किस तरह से हो रहा है, ये भी इकोटोन्स की स्टडी से पता चलता है। Thank you.